ब्रेन स्ट्रोक एक समस्या है जिसमें ब्रेन का या दिमाग का एक हिस्सा काम नहीं कर पाता है क्योंकि वहां तक रक्त नहीं पहुंच पाता है। उसका कारण ये हो सकता है कि वो रक्त की जो नली है वहां पे कुछ ब्लॉकेज आ गया है, उसके वजह से ऐसा हो सकता है। और इसके बाद समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर दे तो उसके वजह से दिमाग के एक हिस्से काम करने के नहीं करने के वजह से शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो ये नॉर्मली हम लोग इसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। लक्षण ही हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण अगर ब्रेन स्ट्रोक का कोई पेशेंट है तो उसका ये रहेगा कि उसका उसकी आवाज चेंज हो जाएगी, उसकी आवाज बदल जाएगी। अगर आप कोई भी ऐसा चीज कोई भी ऐसे पेशेंट को देखते हैं जिसकी एकदम से आवाज बदल जाए। दूसरी चीज, एक तरफ का मुंह टेढ़ा हो जाता है। तीसरी चीज, मुंह से पानी या झाग आने लगे, या फिर एक तरफ का हिस्सा काम करना बंद कर दे। तो ये सब जो लक्षण है वो ब्रेन स्ट्रोक के हैं। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है, किसी को भी ये पता चल जाए तो हम उस दिशा में काम कर सकते हैं, उस पेशेंट को जल्दी से हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करा सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक जो है नॉर्मली जो होता है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, जो शुगर के मरीज रहते हैं उनमें ज्यादातर पाया जाता है। और नॉर्मली जो होता है वो 50+ एज ग्रुप में देखा जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये यंग एज में नहीं मिल सकता है, ये बिल्कुल भी यंग एज में मिल सकता है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल में अगर आपको आप कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं जो ब्रेन स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसलिए ये सब चीजों से हमें बचना है, और जितना कम हो सके हमें स्मोकिंग, अल्कोहल और इन सब चीजों को हमें अपनी लाइफ से हटाना है। ब्रेन स्ट्रोक का ऐसा बोला जाता है कि ये नॉर्मली 50 के ऊपर वाली एज ग्रुप है उसी में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि 50 के ऊपर हमारी हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकता है। और ब्लड प्रेशर अगर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसके वजह से क्या होता है कि रक्त की जो नलियां रहती हैं वो कभी भी फट सकती हैं, कभी भी उसमें क्लॉट जम सकता है। तो 50 के ऊपर जो एज ग्रुप होती है उसमें ज्यादातर पाया जाता है। बट इसका ऐसा मतलब नहीं है कि छोटे जो यंग लोग हैं उसमें नहीं मिल सकता है। यंग लोग अगर ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं और ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, ज्यादा नशा करते हैं, तो उन कंडीशंस में भी यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट स्ट्रोक किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है, लग रहा है कि उसको लकवा की बीमारी हो रही है, तो तुरंत आपको उस मरीज को एक तरफ करवट देना जरूरी है, ताकि कोई भी खाने की चीज जो है वो सांस की नली में ना जा पाए। दूसरी चीज, उन्हें कंबल या कोई कपड़े से अच्छे से ढकना जरूरी है, क्योंकि शरीर एकदम ठंडा पड़ सकता है तो उसको थोड़ा गर्म रखना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नहीं करनी है ऐसे पेशेंट में, ऐसे मरीजों में हमें खाना नहीं देना है, ना पानी पिलाना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हो सकता है कि पूरे होश में नहीं हो, तो वो सांस की नली में जा सकता है, उससे और समस्या बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें हमें नॉर्मली अगर घर पे है मरीज तो ये सब चीजें करना जरूरी है। ब्रेन स्ट्रोक का एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड रहता है, मतलब अगर आपका चालू हुआ है ब्रेन स्ट्रोक, जो अगर इसके लक्षण चालू हुए हैं 1 घंटे पहले और आप हॉस्पिटल में ला रहे हैं अगले दिन, तो उस चेस में बहुत टाइम गैप हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह यही रहती है कि तुरंत जैसी किसी को भी पता चले कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो तुरंत से तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में कांटेक्ट करके वहां ले जाना जरूरी है, क्योंकि इसका विंडो पीरियड रहता है। विंडो पीरियड मायने कि अगर इस टाइम के अंदर मरीज आ जाता है हॉस्पिटल में तो हम इंजेक्शन देके वो क्लॉट को हटा सकते हैं। तो इसका जो टाइम रहता है वो नॉर्मली 3.5 से 4.5 घंटे के बीच में, अगर पेशेंट आ जाता है लक्षण चालू होने के बाद हॉस्पिटल में, तो हम इसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद
अगर मरीज आते हैं तो फिर हम दवाइयों पे रखते हैं, जो खून पतले करने की जो दवाई है उस पे रखते हैं। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी होती है, इनको फिजियोथेरेपी कराना बहुत जरूरी है। तो एक बार लक्षण डेवलप हो गए, एक बार लकवा हो गया, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, तो उसके बाद हमें फिजियोथेरेपी ही करनी पड़ती है और कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं जो खून पतला करे ताकि अच्छे से रिकवरी हो सके। जब ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके ले जाते हैं तो सबसे पहले उनके खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मरीज खुद से खाना लेने में सक्षम नहीं होते हैं। तो या तो हम उनको खाने की नली डाल के यहाँ से भेजते हैं ताकि उन्हें कोई भी लिक्विड चीजें खाने की नली से दे सकें, और वो बराबर टाइम टू टाइम देना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं दिया तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो सकती है और इसके बहुत ही गलत प्रभाव हो सकते हैं। दूसरी चीज, जो स्ट्रोक के मरीज रहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के, तो वो क्या रहते हैं कि उनको वो दिन भर अपने पलंग पे ही लेटे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करते हुए उनकी करवट बार बार बदलते रहना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पीछे घाव हो सकता है। तो बार बार करवट बदलना बहुत जरूरी है। उनको जितना हो सके हमें उसकी एक्सरसाइज कराना, उसकी फिजियोथेरेपी कराना बहुत जरूरी है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, और धीरे धीरे स्ट्रोक के पेशेंट में अच्छी फिजियोथेरेपी से, अच्छे खान पान से स्ट्रोक के मरीज जो है अच्छे रिकवर भी हो जाते हैं। तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है डिस्चार्ज करने के बाद भी। इसमें सक्सेस रेट की बात ऐसा नहीं बता सकते हैं, बट ऐसा है कि अगर मरीज जो है, जो मैंने पहले बताया कि 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर आ जाता है, और हम यहाँ पे उनको इंजेक्शन लगा के वो जो भी क्लॉट है उसको हम हटा सके, तो जो मरीज है वो 2 या 3 दिन में रिकवर करना चालू कर देते हैं। कभी 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। और सक्सेस रेट की बात करें तो 60 से 70% पेशेंट जो रहते हैं, मरीज जो रहते हैं, वो ऐसे रिकवर कर सकते हैं अच्छी फिजियोथेरेपी से, अच्छे खान पान से। स्ट्रोक के खतरे से बचना है तो सबसे पहले हमारे लाइफस्टाइल में हमें चेंज लाना पड़ेगा, हमें अपने बहुत बहुत सारे खान पान में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल में ज्यादा तेल का यूज होता है, ज्यादा मसाले वाला यूज होता है, उससे ब्लड प्रेशर की बीमारियां ज्यादा होने का लक्षण रहता है, ज्यादा खतरा रहता है, शुगर होने का ज्यादा खतरा रहता है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हुक्का पीते हैं, उनमें तो और ज्यादा खतरा रहता है कि उनको स्ट्रोक कभी भी आ सकता है। तो हमें बस अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से रखनी है, बराबर एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को फिट रखना है, डेली अच्छा पानी पीना है, 3 से 4 लीटर डेली पानी का इंटेक होना चाहिए, और खाने पीने में तेल, घी और मसाले वाली चीजों का इस्तेमाल कम होना चाहिए। अगर ये सब हम फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप पे हम स्ट्रोक के लक्षण को कम कर सकते हैं, स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं।